हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन की रेसिपी। वैसे मैंने बहुत ही चिकन रेसिपी शेयर की आप लोग के साथ, एक चिकन की रेसिपी और शेयर करती हूँ। चिकन को हमने धुल कर इसमें लहसुन, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक थोड़ा सा स्वाद अनुसार और एक चम्मच नींबू, इस सब को डाल के मैंने मिला लिया था। और मिला के मैंने एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। अब मैं इसको डीप फ्राई करती हूँ। डीप फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल भी डाल दिया है। अब इसको मैं डीप फ्राई करती हूँ। तेल गर्म होने के बाद, तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें चिकन फ्राई करती हूँ। इसको हम अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा लगभग फ्राई हो गया है। अब चिकन को मैं निकाल लेती हूँ, अच्छे से फ्राई हो गया है, तो देख सकते हैं। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, देख सकते हैं। चिकन बनाने के लिए हमने चार प्याज ले ली है बड़ी बड़ी, इस तरीके से कट कर लिया है। दो फोटो लहसुन ले लिया था और थोड़ी सी बड़ी इलायची, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, दो हरी मिर्च आप स्वाद अनुसार डालिएगा, थोड़ा सा एक चम्मच जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च और दो तीन लौंग हमने ले लिया है। इस सब मसाले को हम पीस लेते हैं। मसाले को हमने पीस लिया है। चिकन फ्राई हो गया है, ये देखिए। अब मैं मसाले को भूनती हूँ। गैस कढ़ाई चढ़ा दी है, अब मैं इसमें तेल डालती हूँ। तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मसाले को भूनेंगे। तेल गर्म हो गया, अब मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ। अब इस मसाले को ऐड कर देते हैं। चला लेते हैं। अब इसमें तीन चम्मच हम चिकन मसाला डाल देते हैं। आप कोई भी चिकन मसाला यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देते हैं। अब इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे हम ढक के धीमी आंच में। मसाले को हम चला लेंगे और धीमी आंच में मसाले को हम पकाते रहेंगे। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर देती हूँ, फ्राइज वाला चिकन। इसको हम धीमे धीमे आंच में पकाते रहेंगे। इसको ढक के हम धीमे धीमे आंच में चिकन को पका लेंगे। हमारा मसाला भी पक जाएगा, चिकन भी थोड़ा लगभग पक जाएगा। चिकन को हम चला लेते हैं। इसको ढक के हम धीमी आंच में थोड़ी देर और पकाते हैं, जैसे हमारा मसाला अच्छे से पक जाए और चिकन भी लगभग हो जाए।
ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए और अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें पानी को ऐड कर देते हैं। आप अपने अनुसार पानी ऐड कर सकते हैं जैसे खाना हो। अब मैं इसको थोड़ी देर और पकाती हूँ जब तक चिकन न पके। जब चिकन पक जाएगा तब मैं इसको निकालूंगी। अब इसको हम ढक के थोड़ी देर पका लेते हैं जैसे हमारा चिकन पक जाए। चिकन हमारा तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अच्छे से पक गया है, ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है, देख सकते हैं आप लोग। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ये देख सकते हैं। ये देखिए मैंने चिकन को निकाल भी दिया है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल पे नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।